मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं हे गाइस वेलकम टू माय YouTube चैनल एमस एडिट तो फिर से लेके आ गए एक और धमाकेदार मारवाड़ी डीजे स्टेट वीडियो जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा साइड में भी देख सकते हो और ये वाला सॉन्ग बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि अभी न्यू सॉन्ग आया है सर्वेंट सिंह रावत का हम चले परदेश गोरी याद रखना ठीक है इस वाले सॉन्ग पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो फाइनल इस सॉन्ग पे मैं वीडियो लेके आ गई हूँ जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा और साइड में भी देख सकते हो इस तरह का वीडियो आप कैसे बना सकते हो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम अलाइट मोशन एप्लीकेशन अलाइट मोशन एप्लीकेशन का लिंक आपको यार मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा अगर आप वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो यार टेलीग्राम पे जाके वहाँ डायरेक्टली सर्च कर लेना अम एस एडिट तो वहाँ पे आ जाएगा ठीक है और वहाँ से आप डायरेक्टली अलाइड एड मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद में यूज कैसे करना कंप्लीटली वीडियो देख लेते तो स्टेप बाई स्टेप सब कुछ समझ में आ जाए और इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी आप प्रोजेक्ट यूज किया बिट सॉन्ग और इफेक्ट ठीक है सभी का लिंक आपको यार डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा जो आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट मिलेगा ठीक है उसके अंदर पासवर्ड लगे हुए तो पासवर्ड आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते तो पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे ठीक है तो पासवर्ड आपको वीडियो को शुरू से लेकर एन तक देखना तो पासवर्ड वीडियो के अंदर मिल जाए और बहुत ज़्यादा बंदे कमेंट कर रहे हैं यार पासवर्ड आते कहाँ तो फाइनली आपको साइड में आपको एक स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा इसी जगह मैं हमेशा पासवर्ड देता हूँ ठीक है तीर का आइकन भी दिख रहा होगा इसी जगह मैं हमेशा पासवर्ड देता हूँ तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पासवर्ड आपको इसी जगह मिल जाएंगे ठीक है तो आप बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करती है वीडियो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी मिस नहीं हो तो चलो स्टार्ट करती वीडियो है hey इस आ गए अलाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर तो सबसे पहले आ रहे हैं आपको ये दोनों प्रोजेक्ट इंपोर्ट का लेना देखिए मैं बता देता हूँ देखिए अमस एडिट बाय बीट मार्क सॉन्ग देखिए और दूसरा है अमस एडिट बाय ओल इफेक्ट ठीक है ये दोनों प्रोजेक्ट का लिंक आपको यार डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा वो पासवर्ड प्रोटेक्ट रहेगा तो आपको ये दोनों इंपोर्ट कर लेना वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखते हो तो वीडियो के अंदर ही पासवर्ड मिल जाएगा ठीक है और यार फिर भी दिक्कत आ रही है तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा उसमें मैंने बता रखा है कि, कि पासवर्ड कैसे आता है और कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंपोर्ट करना सब कुछ बता रखा है अलाइड मोशन एप्लीकेशन के अंदर ठीक है तो वो वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा तो वो वाली वीडियो देख लेना ठीक है अब दोनों प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने के बाद में अब सबसे पहले आपको यार ओल इफेक्ट चला के दिखा देता हूँ तो देखिए अवासीडेड बाय ओल इफेक्ट ठीक है ये वाला प्रोजेक्ट चला के दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको पूरे चार इफेक्ट मिल जाएंगे कौन से इफेक्ट किस फोटो में लगाना कौन से इफेक्ट किस शोटो में लगाना वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा तो चलो स्टार्ट करते वीडियो तो सबसे पहले बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना तो सबसे पहले बीट प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको देखिएगा इसके अंदर सभी चीजें मिल जाएगी ठीक है जो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा केवल फोटो वोटो लगानी है और आपका वीडियो कम्प्लीटली और फोटो लगाना और इफेक्ट लगाना और आपका वीडियो कम्प्लीट बन जाएगा ठीक है बीट सॉन्ग के अंदर आपको देखिएगा यहाँ पर सॉन्ग भी मिल जाएगा और और ये जो सब कुछ ये लिरिक्स वगैरह सब कुछ लिख के रख रखा है मैंने ठीक है और ये सब कुछ मिल जाएगा ठीक है अगर ये आपके पास यार ये लिरिक्स वगैरह काम नहीं कर रहा है तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा ये देखिएगा ये जो पी लगा रखा है ठीक है जो मैंने पी बना रखा है इन पी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा अगर ये काम नहीं करता तो ठीक है सो के कैसे देखिए यहाँ पे आपको जी सब कुछ बीट मार्क वगैरह लगे हुए मिल जाएंगे लिरिक्स वगैरह मिल मिल जाएंगे ठीक है तो अब आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको यार स्टार्टिंग में आ जाना स्टार्टिंग में आने के बाद में यहाँ पे देखिए एक ग्रुप मिलेगा आपको ठीक है देखिए एक ग्रुप वन ठीक है यह मिलेगा तो इसको आपको क्लिक करना है उसके बाद एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है उसके बाद इस प्रकार से नीचे आना है इस प्रकार से आपको यार ये इसके अंदर ग्रुप वगैरह और मिल जाएंगे ठीक है एक दो ग्रुप और मिल जाएंगे और कुछ इस से इंटरफेस मिलेगा इसके अंदर आपको ये सब चीज़ें लगे हुए मिलेगी ठीक है अब यार आपको इसमें ये फोटो चेंज करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा यहाँ पे एक नंबर ग्रुप लिखा हुआ रहेगा इस वाली लेयर पे क्लिक करना उसके बाद एडिट ग्रुप पे क्लिक करना ठीक है अब इस फोटो को आप यार चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर तो आपको चेंज करना है तो नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना उसके बाद में यहाँ पे यह देखिए कलर एंड फिल पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार वाले पे क्लिक करके जो भी फोटो लगाना चाहते यार वो फोटो सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है तो मैं यार कोई फोटो वगैरह चेंज नहीं कर रहा हूँ यही फोटो रहने दे रहा हूँ ठीक है तो यही फोटो रहने दे रहा हूँ मैं ठीक है अगर आपको फोटो चेंज करना तो फोटो चेंज कर सकते हो ठीक है यहाँ तक का काम आपका कंप्लीटली हो चुका ठीक है अब आपको करना क्या होगा यार आगे जाना इस प्रकार से और यार अब आपको यहाँ पे फोटो वगैरह ऐड कर लेना ठीक है अब देखिए यहाँ तक आपको कुछ भी ऐड नहीं करना ठीक है पाँच पॉइंट अट्ठाईस सेकंड के बाद में जितने भी इफेक्ट आ रहे हैं यार एक नंबर दो नंबर तीन नंबर और चार नंबर इफेक्ट इनके अंदर आपको फोटो ऐड कर लेनी है बिट मार्क के हिसाब से ठीक है तो आपको यार एक या दो फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ तो बाकी फोटो आप ऐड कर लेना नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है यार हर बार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको केवल एक या दो फोटो ऐड करके दिखाने वालों तो सबसे पहले आपको यार यहाँ पे आ जाना देखिए पाँच पॉइंट अट्ठाइस सेकंड से जहाँ से आपका लिरिक्स वगैरह खत्म हो गए इसके बाद में ठीक है यहाँ पे आ जाना उसके बाद में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना उसके बाद में मीडिया पे क्लिक करना मीडिया पे क्लिक करने वाले फोल्डर पे क्लिक करना और जिस भी फोल्डर में आपका फोटो उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए ठीक है सो देखिए फोल्डर ओपन कर लिया ओपन करने के बाद इस वाल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर कुछ उस प्रकार से ओपन हो जाएगा पूरा ठीक है अब आपको यार जो भी फोटो लगानी है आपको फोटो ऐड कर लेने देखिए ये वाली फोटो लगानी है तो फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी ठीक है आने के बाद में आप यार इसको आपको यहाँ तक रखना है इस बीट मार्क तक ठीक है इस फोटो को तो आपको क्या करना है इस फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है उसके बाद इस वाले आइकन पे दो बार क्लिक करोगे तो ये सेकंड बीट मार्क पर आ जाएगा उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो ये फोटो का लेयर भी यहाँ तक आ जाएगा अब इस फोटो को फुल स्क्रीन करना तो यहाँ पे थ्री डोट पर क्लिक करना और फिल कम्पन एरिया पर क्लिक करना तो फोटो का साइज फुल हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आपको एक फोटो ऐड कर लीजिए कर लीजिए ठीक है मैंने और सेकंड फोटो ऐड करने के लिए फिर से आपको सेकंड बीट मार्क पे आ जाना और उसके बाद हम प्लस पे क्लिक करना उसके बाद में मीडिया पे क्लिक करना मीडिया पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सेकंड फोटो आपको ऐड कर लेनी है ठीक है तो मैं सेकंड फोटो यहाँ से ऐड कर लेती हूँ यार कौन सी फोटो ऐड करना ये वाली फोटो ऐड कर लेता हूँ फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाए अभी इसको फुल स्क्रीन करना तो थ्री रोड पर क्लिक करना और फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना फोटो का साइज हो जाएगा फुल फुल होने के बाद में यार इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो इधर उधर करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप इधर उधर कर सकते हो है ना वो तो साइज कम रहे तो साइज भी बढ़ा सकते हो ठीक है उसके बाद में अब इस फोटो को आपको यहाँ यहाँ तक रखना है इस बीट मार्क तक ठीक है तो आपको क्या करना है इसी वीडियो पे क्लिक करो इसी फोटो पे क्लिक कर उसके बाद में दो बार इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड बिट मार्ट पर और उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो फोटो का लेरियर यार यहाँ तक आ जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आपको यार जितने भी फोटो यार सभी ऐड कर लेनी है ठीक है इस प्रकार से ठीक है जहाँ पे देखिए एक नंबर इफेक्ट दो नंबर इफेक्ट देखिए दो नंबर इफेक्ट तीन नंबर इफेक्ट इस प्रकार से रहेगा तो इनके अंदर सभी के अंदर आपको फोटो ऐड कर लेना तो मैं यहाँ सभी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ तो नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए सो के देखिए मैंने बीट मार्च हिसाब से जितने भी फोटो थी यार सभी ऐड कर लिए देख सकते हो आप ठीक है तो इस प्रकार से आपको यार सभी फोटो ऐड कर लेना है ठीक है एक नंबर दो नंबर इफेक्ट तीन नंबर इफेक्ट और चार नंबर इफेक्ट के अंदर ठीक है तो इस प्रकार से यार मैंने फोटो ऐड कर ली बिटमार्क के हिसाब से ठीक है थीके? अब आपको कुछ भी नहीं करना अब आपको केवल इफेक्ट लगाना और आपका वीडियो कंप्लीटली बन जाएगा अब इफेक्ट कैसे लगाना यार है यार देखिए यहाँ पे आ जाते हैं अपन देख ठीक है एंड तक मैंने जितनी फोटो थी यार सब बिटमार्क के हिसाब से लगा लिए ठीक है अब आपको आ जाना यार जहाँ से आपने फोटो स्टार्ट करी वहाँ पे आ जाना ठीक है तो मैं वहाँ पे आ जा चल जाता हूँ सबसे पहले पांच पॉइंट सेकंड से देखिए मेरा फोटो स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो पांच पॉइंट अट्ठाईस आ जाना उसके बाद में इन्फो, इस फोटो में यार कौन से इफेक्ट लगेगा तो इस प्रकार से आपको नीचे जाना है यहाँ पर लिखा हो रहेगा एक नंबर इफेक्ट तो एक नंबर इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से जाना बैग बैग जाने के बाद में ओल इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ठीक है तो देखिए एम एस इडिट बाय ओल इफेक्ट ठीक है इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद में एक नंबर इफेक्ट ठीक है और इसके ऊपर जस्ट फोटो वाली फोटो पे क्लिक करना उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना उसके बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है कॉपी हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से जाना आपको बैग बैग जाने के बाद में यहाँ से बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना फिर से ठीक है तो ये देखिए तो मैं बीट मार का प्रोजेक्ट ओपन कर लेना उसके बाद में आपको वहाँ पे चले जाना जहाँ जान से आपका फोटो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वाला ठीक है तो वहाँ पे चले जाना है तो देखिए ये रही मेरी फोटो ठीक है तो यहाँ पे आ जाना उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये फोटो आ रही है ठीक है अभी इस फोटो पे क्लिक करना है ठीक है और उसके बाद में इफेक्ट पे क्लिक करना उस थ्री रोड पे क्लिक करना उसके बाद में वहाँ से आपने कॉपी किया था तो यहाँ पे लाके पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है तो इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ठीक है और फिर अगली फोटो यहाँ पे ये वाली आ रही है ठीक है तो अगली फोटो ये वाली आ रही है ठीक है अब इस फोटो में भी ये इफेक्ट लगाना तो फोटो पे क्लिक करना उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है तो इस प्रकार से आपको केवल दो फोटो के अंदर एक नंबर इफेक्ट लगेगा ठीक है तो दोनों फोटो के अंदर मैंने एक नंबर वाला इफेक्ट लगा दिया उसके बाद अगली फोटो आ रही है ये वाली ठीक है तो इस फोटो में यार कौन से इफेक्ट लगेगा तो इस फोटो में यार इस प्रकार से ये वाली फोटो है तो इस प्रकार से आप लोग नीचे जाके देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दो नंबर इफेक्ट ठीक है तो दो नंबर इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से आपको बेग जाना है बैग जाने के बाद में ओल्ड इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना फिर से और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दो नंबर इफेक्ट इसके जस्ट ऊपर ये वाली फोटो आ रही है ठीक है फ़ोटो पे क्लिक करना उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना उसके बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है उसके बाद में यहाँ से जाना आपको बैक बैक जाने के बाद में फिर से भी, भी ट्र प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद में जहाँ से आपका दो नंबर इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर चले जाना ठीक है तो देखिए मेरा दो नंबर इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टाइम भी नोट कर लीजिए आप तो यहाँ पर देखिए नो पॉइंट छः सेकंड से ठीक है तो ये वाली फोटो आ रही है अभी इस फोटो में क्या करना है फोटो पे क्लिक करना उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना उसके बाद ट्रिडोट पे क्लिक करना उसके बाद में पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है तो इसके अंदर ये इफेक्ट लग जाएगा जो आपको थोड़ा चला के दिखा देता हूँ ठीक है तो इस प्रकार से इफेक्ट आ जाएगा उसके बाद अगली फोटो ये वाली आ रही है फोटो पर क्लिक करें उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है उसके बाद ट्रिडोट पर क्लिक करना उसके बाद में पेस्ट इफेक्ट कर देना तो इस प्रकार से यार मेरे दो नंबर इफेक्ट जितनी फोटो के अंदर आ रहा है सभी फोटो के अंदर मैं दो नंबर वाला इफेक्ट लगा देता हूँ फिर बताता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सो के देखिए उन्नीस पॉइंट तेईस सेकंड तक मेरा दो नंबर का इफेक्ट आ रहा था दो नंबर का इफेक्ट सभी फोटो के अंदर लगा दिया उसके बाद में अगली फोटो ये वाली आ रही है ठीक है अभी इस फोटो में कौन से इफेक्ट लगेगा यार इस प्रकार से आपको नीचे जाके देखना है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तीन नंबर इफेक्ट ठीक है तो यहाँ से जाना आपको बैग बैग जाने के बाद में ओल्ड इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद में आपको जाना है तीन नंबर इफेक्ट पे ठीक है

मतलब उन्नीस पॉइंट तेईस सेकंड से ठीक है स्टार्ट हो रहा है मेरा तीन नंबर का इफेक्ट और इस प्रकार से आप यहाँ यहाँ पे इस प्रकार से नीचे जाके भी देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तीन नंबर इफेक्ट ठीक है तो यहाँ से यहाँ पे आ जाना है स्टार्टिंग के अंदर उसके बाद ये वाली फोटो आ रही है, फोटो पे क्लिक, पे क्लिक करेंगे उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे उसके बाद पेस्ट इफेक्ट कर देंगे ठीक है तो इसके अंदर ये इफेक्ट लग जाएगा जो कुछ इस प्रकार से आएगा ठीक है तो ये इफेक्ट आपको यार कितने फोटो के अंदर लगाना है देखिएगा आप एक दो तीन ठीक है ना तो आपको ये इफेक्ट लगाना पड़ेगा देखिएगा एक दो और तीन फोटो के अंदर ये वाला इफेक्ट लगेगा ठीक है जो तीन नंबर वाला तो सभी फोटो के अंदर मैं लगा देता हूँ यार फिर बताता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अगली फोटो ये वाली आ रही है तो फोटो पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद थ्रीडोड पर क्लिक करेंगे और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे ठीक है इस प्रकार से फिर से अगली फोटो आ रही है ठीक है तो ये वाली आ रही है फिर से फोटो पे क्लिक करेंगे उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद थ्रीडोड पर क्लिक करेंगे पेस्ट इफेक्ट कर देंगे ठीक है तो इस प्रकार से मैंने यार तीनों फोटो के अंदर ये वाले इफेक्ट लगा लिया ठीक है उसके बाद में ये वाली फोटो आ रही है ठीक है अगली वाली जो मतलब इक्कीस फोट सात सेकंड वाली तो अभी इसमें कौन से इफेक्ट लगेगा यार इस वाली फोटो में तो इस वाली फोटो देखिए ठीक है ना तो तीन नंबर इफेक्ट मैंने सभी फोटो के अंदर लगा दी उसके बाद में ये वाली फोटो आ रही है अभी इस फोटो में कौन से इफेक्ट लगेगा तो इस प्रकार से आपको यार नीचे जाके देख लेना है ठीक है तो इस प्रकार से नीचे जाके देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ रहेगा चार नंबर इफेक्ट तो यहां से जाना आपको बैग बैग जाने के बाद में ओल इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद में यहां से आपको जाना चार नंबर इफेक्ट लिखा हुआ रहेगा वहां पर ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए चार नंबर इफेक्ट ठीक है और चार नंबर वाली फोटो है ठीक है तो अब आपको क्या करना है चार नंबर इफेक्ट के जस्ट ऊपर फर फोटो वाली फोटो पे क्लिक करना है उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है उसके बाद में थ्री डॉट पे क्लिक करना है उसके बाद में कॉपी इफेक्ट पे क्लिक कर लेना कॉपी हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ से आपको जाना बैग ठीक है बैग जाने के बाद में फिर से बीट बिट मार्क वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और उसके बाद में आपको जहाँ से आपका चार नंबर के इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे चले जाना है ठीक है तो मेरा चार नंबर के इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे चले जाते हैं ठीक है यहाँ तक मैंने इफेक्ट लगा लिया ठीक है अब यहाँ पे देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है इक्कीस पंच सात सेकंड से, से ठीक है और इस प्रकार से आप नीचे भी जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ फिर रहेगा चार नंबर इफेक्ट ठीक है तो अब चार नंबर इफेक्ट के अंदर ये वाली फोटो आ रही है ठीक है तो फोटो पे क्लिक करना उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना उसके बाद में पेस्ट इफेक्ट कर देना ठीक है तो इसके अंदर ये इफेक्ट लग जाएगा चार नंबर वाले इफेक्ट जो कुछ इस प्रकार से आएगा ठीक है उसके बाद में अगली फोटो ये वाली आ रही है ठीक है तो अगली फोटो पे क्लिक करना उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना उसके बाद पेस्ट इफेक्ट कर देना तो इस प्रकार से मेरे ये जितनी भी फोटो आ रही है चार नंबर इफेक्ट के अंदर ठीक है तो सभी फोटो सभी के तो फोटो, फोटो, फोटो के अंदर ये वाला इफेक्ट लगा देता हूँ हमारा चार नंबर इफेक्ट आ रहा है एंड एंड तक तक जितनी जितनी भी फोटो 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 आ आ रही रही है 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 ठीक सभी के अंदर ये चार नंबर वाला इफेक्ट लगेगा तो मैं जल्दी से चार नंबर वाला इफेक्ट लगा देता हूँ सभी फोटो के अंदर फिर बताता हूँ आपको सो के देखिए मैंने चार नंबर इफेक्ट सभी फोटो के अंदर लगा लिया ठीक है जितनी भी फोटो थी यार चार नंबर इफेक्ट के अंदर सभी फोटो के अंदर मैंने ये वाला इफेक्ट लगा लिया ठीक है चार नंबर वाला तो अब वीडियो पूरा कंप्लीटली हो चुका है अब आप देखिएगा आपको एक बार चला के दिखा देते तो हम वीडियो किस प्रकार से बनाए तो देखिए वीडियो बहुत ही शानदार बन चुका है लिरिक्स वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएंगे इसी वीडियो के अंदर ठीक है तो इस प्रकार से आपको फोटो वोटो लगाना और आपका वीडियो पूरा कंप्लीटली बन चुका ठीक है अब आपको केवल यहाँ पे क्या करना होगा अब अपना लोगो वगैरह बनाना चा, लगाना चाहते हो स्टार्टिंग के अंदर तो वो लोगो कैसे लगाना है तो सबसे पहले आपको यार स्टार्टिंग में आ जाना ठीक है अब लोगो लगाने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले स्टार्टिंग में आना उसके बाद में प्लस पे क्लिक करना उसके बाद में मीडिया पे क्लिक करना मीडिया पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करना और जिस भी फोल्डर में आ रहा है आपका लोगो तो है उस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद में इस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका मतलब फोल्डर कुछ जिस प्रकार से ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद में देखिए हम इस प्रकार से आपको नीचे जाना देखिए आपका जहाँ पे भी लोगो है यार उस लोगों को सेलेक्ट कर लेना ठीक है तो मैं लोगों सेलेक्ट कर लेता हूँ ये रहा है ठीक है मेरा लोगो तो लोगों पे क्लिक करेंगे और आप भी अगर अपना खुद का इस प्रकार का लोगो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो का इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा तो वो वाली वीडियो देख लेना तो इस प्रकार का अपना छोटा वाला लोगो बनाना सीख जाओगे ठीक है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये यह लोगो यहाँ पे आ जाएगा अब इस लोगो की आपको साइज कम करनी है तो मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे उसके बाद साइज वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी साइज आपको आप यहाँ से कम कर देनी ठीक है तो आपको जितना रखना चाहते हैं यार उतनी साइज रख दीजिए ठीक है तो मैं यहाँ पे छः सौ कर देता हूँ ठीक है देखिएगा यहाँ पे मैंने साइज इसकी छस् सौ रख दी आपको जो भी जितनी भी रखनी है यार वो साइज़ आप अपने हिसाब से रख दीजिए ठीक है तो मैंने यहाँ पे साइज रख दी है छसो ठीक है अब इस लोगो वाली लेयर को भी यार आपको एंड तक करना है तो लोगो वाली लेयर पे क्लिक करना है और इस प्रकार से आपको एंड में चले जाना और इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो ये लोगो वाली लेयर भी एंड तक आ जाएगी ठीक है।, है अब इस लोगो वाली लेयर में एक इफ़ेक्ट लगाएंगे ताकि ये लोगो ऊपर नीचे चलेगा ठीक है तो चलता फिरता लोगो बन जाएगा ठीक है तो इस लोगो को यार सबसे पहले आपको क्या करना है यार आपको जहाँ पे भी रखना चाहते हो उस लोगों को यार सबसे पहले वहां पे रख लीजिए ठीक है तो मैं इस लोगों को सबसे पहले यहाँ पे रख लेता हूँ ठीक है अब इसमें अंदर एक इफेक्ट लगाएंगे तो ये लोगों ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा ठीक है अब इफेक्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट वाले पे ही क्लिक रखना है ठीक है और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दे रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे एक प्लस लग जाएगा उसके बाद में वीडियो को आपको सेंटर में चले जाना है यहाँ पा आपका वीडियो जैसे मेरा वीडियो ये चॉइस चोईस सेकंड का ठीक है तो मैं यहाँ पे चोईस का आधा कितना होता है बारह सेकंड ठीक है तो बारह सेकंड पे चले जाना है ठीक है तो मैं बारह सेकेंड पर आ गया हूँ ठीक है तो बारह सेकंड पे आ गया बारह सेकंड पे आने के बाद में अब आपको क्या करना है फिर से आपको एक प्लस देना है प्लस देने के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए इस दब दबा के रखना और ऊपर का रहोगे तो ये लोगों भी ऊपर जाएगा ठीक है तो मैं कर देता हूँ ठीक है तो अब मैं इस प्रकार से दबा के रखता हूँ और इस प्रकार से इसको ऊपर करना ठीक है आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना ठीक है तो मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है तो आपको जितना स्लो करोगे जितना आस बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे करोगे तो आपका जो ये जो लोगो है ना बिल्कुल स्मूथली जाएगा ठीक है तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना केवल मैं वीडियो के अंदर जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है यार और लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ठीक है कि वीडियो छोटी बनाई करो ठीक है तो ये लोगों ऊपर आ गया ठीक है अब अब यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर से आपको यार एंड में जाना है फिर से आपको एक प्लस देना है और फिर से इस लोगों को नीचे लाना है तो ठीक है फिर से आपको यहाँ पे इस प्रकार से इसको दबा के रखना है और इस प्रकार से नीचे लाना है ठीक है बिल्कुल धीरे धीरे लाना है क्योंकि मैं तो वीडियो के अंदर यार जल्दी जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा तो आपको केवल वीडियो को बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल धीरे धीरे लाना है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जितना धीरे लाओगे यार उतना शानदार लगेगा ये लोगों का लेयर ठीक है जो लोगो आपको चलता फिरता लोगो बन जाएगा ठीक है तो देखिए मैं नीचे लेके आ गया अब इसके अंदर ये इफेक्ट लग चुका है जो आपको चला के दिखा देता तो थीके? तो ठीक है देखिए ये लोगो ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा ठीक है बिल्कुल धीरे धीरे जितना धीरे लोगो उतना शानदार वीडियो बनने वाला है ठीक है तो इस प्रकार से वीडियो पूरा कंप्लीटली बन चुका और इसके अंदर यार आप एक बड़ा लोगो भी लगाना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आ जाना फिर से और आपको एक बड़ा लोगो लगाना है तो वो लगाने के लिए स्टार्टिंग में आ जाए उसके बाद प्लस पे क्लिक करना उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना और जिस भी फोल्डर में आपका यार जो वो लोगो रहेगा बड़ा वाला तो उसको उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना सेलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार से ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद में यार आपका देखिए मेरा बड़ा लोगो कहाँ पे तो मैं वो ढूंढ लेता हूँ ठीक है तो ये रहा ठीक है ये रहा मेरा वो लोगो ठीक है इस लोग तो लोगों पे क्लिक करेंगे लोगो यहाँ पे आ जाए अगर आप भी इस प्रकार का अपना फुल स्क्रीन लोगो बनाना चाहते हो तो इसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा तो वो वाली वीडियो देख लेना तो इस प्रकार का लोगो बनाना सीख जाओगे ठीक है तो ये लोगो आ गए उसके बाद हम प्लस पे क्लिक करना तो ये लोगो यहाँ पे आ जाएगा अब इसको आपको फुल स्क्रीन करना तो यहाँ पे थ्री डोड पे क्लिक करना है और फिल कंपेसन एरिया पे क्लिक करोगे तो ये लोगो का साइज हो जाएगा फुल अब आप इस लोगो को केवल एक सेकंड के लिए दिखना दिखाना चाहते हो ठीक है तो आपको इस प्रकार से यार जीरो पॉइंट एक सेकेंड पर चले जाना ठीक है इस प्रकार से ठीक है तो जीरो पॉइंट एक सेकंड पे आ गए उसके बाद में जो भी पीछे का स्टफाट काटना है तो इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो पीछे का स्टफाट कट जाएगा ठीक है तो फाइनली गैस मेरा वीडियो पूरा कंप्लीटली बन चुका है अब ये केवल एक सेकेंड के लिए ये लोगो आएगा ठीक है जो आपको थोड़ा चला के दिखा देता हूँ तो, तो इस प्रकार से ठीक है ये लोगो आएगा ठीक है तो वीडियो पूरा फाइनली गैस कंप्लीटली बन चुका है अब इस वीडियो को यार एक्सपोर्ट करना है तो इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद में वीडियो पर क्लिक करना है और उसके बाद में इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और देखिए मैंने एक्सपोर्ट रिजुलेशन रख रखा है एक हज़ार अस्सी अगर आपके एक हज़ार अस्सी सपोर्ट नहीं कर रहा तो इस वाले आइकन पे क्लिक करना और इसको सात सौ बीस पे रख दीजिए ठीक है और उसके बाद में यार इसको आपको फुल कर देना और क्वालिटी दिख रही है क्वालिटी को भी आपको इस प्रकार से फुल कर देना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगा ठीक है तो मेरा ये वीडियो यार एक्सपोर्ट हो जाए उसके बाद में आपको एक बार चला के दिखाने वाला हूँ कि मेरा वीडियो किस प्रकार से बनाए तो इस वीडियो कैसे लगी यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और अगर आपको वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करना उसके रिप्लाई में हंड्रेड परसेंट दूंगा तो केयर बाय बाय